टेबल समझिए लो, टेबल का काम क्या है वो समझिए। देखिए जैसे यहाँ से जितना हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं उतना क्या हो रहा है, पेज पर टेबल ड्रॉ होते जा रहा है। टेबल देख के समझ में आ गया होगा कि इसका काम कब कर सकते हैं, इसका यूज कब कर सकते हैं। अब इसमें आप जितना भी रो और कॉलम इंसर्ट करना हो आप इंसर्ट कर सकते हैं, किसके द्वारा, टेबल के द्वारा। अब यहाँ पे जितना दिया हुआ है इतना ही है इसमें मैक्सिमम, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आपको टेबल बनाना होगा तो क्या कीजिएगा, तो उसके लिए यहाँ पे इंसर्ट दिया हुआ है, इंसर्ट टेबल पे जाना है और जितना भी आपको नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए वो कॉलम यहाँ पर टाइप कर देना है और रो कितना चाहिए वो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है और उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे ओके कर देना है, तो ऑटोमेटिक उतना रो और कॉलम बन जाएगा। उसके बाद यहाँ ड्रॉ टेबल दिया हुआ है, ड्रॉ टेबल के द्वारा आप खुद से टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। टेबल अगर आपको बनाना हो तो आप खुद से बना सकते हैं, उसके लिए यहाँ ड्रॉ टेबल पे क्लिक करना है, यहाँ पेंसिल आ जाएगा, इसके द्वारा आपको क्या करना है ड्रैग करना है, जितना बड़ा बनाना है छोटा बनाना है, जैसे भी टेबल बनाना होगा उतना ड्रैग कीजिए और यहाँ से ऐसे खींच दीजिए लाइन, यहाँ क्लिक कीजिए इस लाइन पे और यहाँ नीचे वाले पे लाके मिला दीजिए, फिर यहाँ से खींचिए ऐसे लाके मिला दीजिए, फिर यहाँ खींचिए, यानी कि इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ज़रूरत के हिसाब से आपको जैसा ज़रूरत पड़े वैसा यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आपको दिया हुआ है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यानी कि इसके द्वारा आप टेबल जो भी टेक्स्ट टाइप कीजिएगा उसको आप टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, समझ में आया, इसके द्वारा टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर टेक्स्ट टाइप हो गया, अब इसको क्या करना है, टेबल में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक कीजिएगा और ओके कर दीजिएगा, तो ये क्या होगा, टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ में आया, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब दिया हुआ एक्सेल स्प्रेडशीट, यानी कि इसके द्वारा अगर आप एक्सेल स्प्रेडशीट में काम करना चाहते हैं तब आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, एक्सेल स्प्रेडशीट पर क्लिक करना है और यहाँ से एक्सेल आपका ओपन हो जाएगा। जब एक्सेल ओपन हो जाएगा तो इसमें आपको जो भी एंट्री करना है वो एंट्री यहाँ से कर सकते हैं लोग, यहाँ से आपको जो भी एंट्री करना है वो एंट्री कर सकते हैं। फिर यहाँ साइड में क्लिक कीजिएगा, एक्सेल स्प्रेडशीट जो खुला हुआ था वो क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। उसके बाद क्विक टेबल दिया हो, क्विक टेबल के द्वारा अगर आपको कैलेंडर का फॉर्मेट बनाना हो, जैसे कोई भी एक कैलेंडर का फॉर्मेट बनाना हो तो क्विक टेबल पे आप जाएंगे और यहाँ से आपको बहुत सारा फॉर्मेट मिल जाएगा अलग अलग टाइप का, यहाँ से जब आप ऐसे ड्रैग करेंगे तो नीचे की तरफ तो और भी बहुत सारा फॉर्मेट मिल जाएगा, तो जैसा भी आपको फॉर्मेट चाहिए बस उस पर आप एक बार क्लिक कर दीजिएगा, वैसा फॉर्मेट पेज पर इंसर्ट हो जाएगा। एक चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है कि जब भी आप टेबल का यूज करेंगे, यहाँ से जो भी आप टेबल बना रहे हैं तो जैसे यहाँ पे टेबल इंसर्ट होता है तो यहाँ पे दो मेनू एक्स्ट्रा ओपन हो जाता है, एक टेबल डिजाइन और एक लेआउट। अगर टेबल का डिजाइन करना हो तो फिर यहाँ से आप डिजाइन चेंज कर सकते हैं, दिख रहा है चेंज हो रहा है टेबल का डिजाइन, यहाँ क्लिक कीजिएगा तो और भी बहुत सारा डिजाइन मिल जाएगा, तो जैसा डिजाइन अगर आपको करना हो टेबल का तो टेबल का डिजाइन कर सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब डिजाइन ही है। उसके बाद से कलर भी अगर आपको करना हो तो यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर चेंज करना हो जिस भी सेल कॉलम का वो चेंज कर सकते हैं। अगर इसका बॉर्डर जो लाइन है वो लाइन अगर और मोटा रखना चाहते हैं तो यहाँ से सबसे पहले तो यहाँ पे दिया हुआ किस टाइप का आपको लाइन चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद से उसके जस्ट नीचे आइएगा तो कितना मोटा चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से कुछ एरिया इतना हम सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम क्या करते हैं ये वाला इफेक्ट दे देते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे ड्रैग करेंगे, एक इधर हो गया, फिर इधर जहाँ तक चाहिए वहाँ तक, फिर इधर से दिख रहा है इसका बॉर्डर लाइन कैसे मोटा हो रहा है, यानी कि जैसा सेलेक्ट कीजिएगा वैसा हो जाएगा। उसके अलावा इसमें से अगर जो भी स्टाइल चाहिए उस स्टाइल में,
दिख रहा है। कलर में अगर करना हो तो आप यहाँ से कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कलर चाहिए वैसा कलर आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। दिखा कलर यहाँ से चेंज होते हुए, तो यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से बॉर्डर भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपको लेआउट मिलेगा, तो लेआउट में आइएगा तो इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है वो डिलीट, यानी कि इसके द्वारा आप डिलीट कर सकते हैं जिस भी रो कॉलम को डिलीट करना हो, जैसे सेल को डिलीट करना है तो डिलीट सेल पे क्लिक कीजिएगा, कॉलम पे डिलीट, कॉलम को डिलीट करना हो तो डिलीट कॉलम पे क्लिक कीजिएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, जो भी टेबल को डिलीट करना हो तो टेबल पे क्लिक कर दीजिए, टेबल ही डिलीट हो जाएगा। समझ में आया? कोई डाउट है टेबल में? चलिए उसके बाद दिया हुआ है इलुस्ट्रेशंस। इसमें आइएगा तो सबसे पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है इंसर्ट पिक्चर, जैसे इंसर्ट पिक्चर पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ तीन ऑप्शन आएगा, पहला दिस डिवाइस, दूसरा स्टॉक इमेज और तीसरा ऑनलाइन पिक्चर। यानी कि दिस डिवाइस के द्वारा, यानी कि इसी डिवाइस में अगर इस कंप्यूटर में कोई भी फ़ोटो है तो उसको क्या कर सकते हैं, इस पेज में ला सकते हैं। और स्टॉक इमेज यानी कि इसके द्वारा आप सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन। और एक और दिया हुआ है ऑनलाइन पिक्चर, इसके द्वारा भी आप ऑनलाइन पिक्चर ला सकते हैं। स्टॉक इमेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी क्या करेगा, ऑनलाइन सर्च करेगा, सर्च कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे आप सर्च किए तो यहाँ आ गया स्टॉक इमेज। अब आपको जैसा भी इमेज चाहिए वैसा इमेज यहाँ से सर्च कर सकते हैं, वहाँ टाइप कीजिएगा आ जाएगा। जैसे मान लीजिए फ्लावर चाहिए तो यहाँ फ्लावर टाइप कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा फ्लावर आ जाएगा। इसमें से जो भी आपको चाहिए उस पिक्चर पे क्लिक कीजिए और इंसर्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ क्लिक किए और क्या कीजिएगा, इंसर्ट कर लेना है तो यहाँ इंसर्ट दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। थोड़ा समय लेता है, डाउनलोड होकर के लाके इसमें दे देगा और एकदम HD क्वालिटी का पिक्चर आएगा। समझ में आया? तो इस तरह से आप पिक्चर ले सकते हैं किसके द्वारा, स्टॉक इमेज के द्वारा, या ऑनलाइन चाहिए तो आप ऑनलाइन पे भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से आप टाइप करके सर्च कर सकते हैं। अब जैसा भी पिक्चर चाहिए वैसा पिक्चर आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, जो भी पिक्चर चाहिए बस उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ से आप क्या कीजिए, क्लिक करके इंसर्ट जो बटन दिया हुआ है इंसर्ट पे आपको क्लिक कर देना है, वो पिक्चर आ जाएगा पेज पर। समझ में आया? इसमें कोई डाउट है? उसके बाद दिया हुआ है शेप्स, यानी कि इसके द्वारा आप इस पेज में शेप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारा पिक्चर शेप मिलेगा क्या, हाँ सेम ही है। तो यहाँ पे बहुत सारा पिक्चर शेप दिया हुआ है, इसमें से आपको जो भी शेप चाहिए उस शेप को आप सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से लेफ्ट बटन प्रेस किए रहिए और ड्रैग कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, वो शेप इंसर्ट हो जाएगा। एक चीज़ का ध्यान देना है, जैसे अगर आप कोई पिक्चर या शेप इंसर्ट करते हैं तो इसके साथ एक्स्ट्रा मेनू ओपन होता है, दिख रहा है सेप, यानी कि सेप फॉर्मेट, यानी कि ये सेप फॉर्मेट किस लिए ओपन हो रहा है, इस सेप का फॉर्मेटिंग के लिए। अगर आप इस सेप का फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं कि इसका कलर चेंज हो जाए तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कलर चाहिए वैसा कलर रख सकते हैं। आउटलाइन चेंज करना हो तो आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। इफ़ेक्ट इस पर देना हो तो कैसा इफ़ेक्ट देना है वैसा इफ़ेक्ट आप यहाँ दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3D में चाहिए तो आप 3D वाला भी दे सकते हैं इफ़ेक्ट, जैसा इफ़ेक्ट देना हो यहाँ से दे सकते हैं। ग्लो चाहिए तो ग्लो का भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन, यहाँ से आप इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ भी आपको और भी ऑप्शन मिल जाएगा कलर चेंज करने का, यहाँ से भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। इधर जितना भी दिख रहा है ना ये सब फॉर्मेटिंग के लिए है, शेप से रिलेटेड। तो वैसे ही अगर आप पिक्चर भी लीजिएगा तो पिक्चर से रिलेटेड जो भी फॉर्मेटिंग करना हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से एक पिक्चर हम इंसर्ट कर लेते हैं, पिक्चर का साइज़ बड़ा लग रहा है तो अगर हम चाहते हैं कि उसको
क्या करें, छोटा कर दें। तो छोटा करने के लिए क्या कीजिएगा, जैसे मान लीजिए पिक्चर आ गया, तो इस पिक्चर को छोटा करने के लिए तो यहाँ से खींच के ऐसे छोटा कर लेंगे, इधर से भी ऐसे खींचेंगे तो क्या होगा, छोटा हो जाएगा। लेकिन हमको ये बाकी जो एरिया ये हटा देना है, सिर्फ ये हाथ वाला ही एरिया रहे। तो पिक्चर फॉर्मेट में आइएगा तो यहाँ क्रॉप मिल जाएगा, यहाँ से आप क्रॉप भी कर सकते हैं। सिर्फ क्रॉप ही नहीं बल्कि बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे साइड में हम क्लिक किए तो क्या हुआ, हट गया, फिर पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर फॉर्मेट आ जाएगा। जैसे मोबाइल में पिक्चर एडिट करते हैं ना, फ़ोटो को फ्रेम लगाते हैं चाहे जो भी, देखिए यहाँ से फ्रेम भी लगा सकते हैं, अलग अलग टाइप का यहाँ पे फ्रेम मिल जाएगा। जैसा इफेक्ट देना हो, कलर देना हो बॉर्डर का, तो आप बॉर्डर का कलर भी दे सकते हैं। एक एक करके आप चेक कर सकते हैं कि ये सब क्या किस काम के लिए है। यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं, यानी कि कलर आपको कैसा रखना है, ज़्यादा डार्क रखना है कि कम रखना है, जैसा भी रखना हो इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ आप लोग मोबाइल में भी यूज किए होंगे। कलर भी यहाँ से ब्लैक एंड वाइट या जो भी कलर में रखना हो कलर में रख सकते हैं। तो ये आप एक बार चेक कीजिएगा लैब में। शेप समझ में आ गया, शेप के द्वारा आप कोई भी शेप बना सकते हैं, जैसा भी शेप आपको चाहिए यहाँ पे बहुत सारा शेप मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, उस शेप को सिलेक्ट करना है और लेफ्ट बटन प्रेस करना है और ड्रैग कर देना है। जितना बड़ा चाहिए उतना आप क्या कीजिएगा, ड्रैग कीजिए। छोटा चाहिए तो छोटा रखिए, बड़ा चाहिए तो बड़ा रखिए। अब एक चीज़ इस पर आपको ध्यान देना है कि जैसे येलो वाला दिख रहा है, इसको अगर इस पर लेफ्ट बटन प्रेस करके ऐसे खींचिएगा तो देखिए इसका आकार चेंज हुआ। फिर इधर वाले को भी अगर ऐसे खींचिएगा तो ऐसे चेंज होगा। फिर अगर आप इसको राइट साइड की तरफ ऐसे खींचिएगा तो ये बराबर इधर हो गया, फिर ऐसे खींचिएगा तो ये बराबर हो गया, यानी कि स्क्वायर हो गया। यहाँ तक इसको एडिट कर सकते हैं। अगर इससे एक्स्ट्रा भी अगर आपको करना हो तो सेव फॉर्मेट में ही आपको यहाँ मिल जाएगा एडिट सेव, यहाँ जाइए और एडिट पॉइंट पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ ब्लैक ब्लैक जो पॉइंट दिख रहा है, इसके द्वारा भी आप इफेक्ट इस पर दे सकते हैं। ऐड पॉइंट कीजिए, या अगर डिलीट करना हो तो डिलीट भी कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ आपको यहाँ क्लिक कीजिएगा तो दो वाइट कलर का पॉइंट मिल जाएगा। इसके द्वारा भी आप शेप का डिजाइन चेंज कर सकते हैं। समझ में आया, तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, जैसा भी इफेक्ट देना हो वैसा इफेक्ट इस पर दे सकते हैं। जहाँ जहाँ ब्लैक पॉइंट दिख रहा है ना, वहाँ क्लिक कीजिएगा तो ये वाइट वाला आएगा, इसी के द्वारा आपको चेंज करना है। फिर यहाँ क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे भी दो पॉइंट आएगा। अब आपको कैसे रखना है वैसे इस तरह से इस पर इफेक्ट दे सकते हैं। समझ में आया, अगर आपको इसमें जोड़ना भी हो, हम चाहते हैं यहाँ पे एक पॉइंट आ जाए, तो यहाँ पे राइट बटन क्लिक करके ऐड पॉइंट कीजिएगा तो यहाँ पर भी एक पॉइंट आ गया। यहाँ से भी इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, जैसे रखना हो वैसे रख सकते हैं। कोई भी आप शेप लीजिएगा, उसको एडिट करना हो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्क्वायर एक ले लीजिए या रेक्टेंगल, कोई भी एक शेप ले लीजिए। अब इसमें भी इफेक्ट देना हो, इसको भी एडिट करना हो, तो आप एडिट में जाइए, एडिट पॉइंट पे क्लिक कर दीजिए। अगर जैसे ये वाला पॉइंट हमको नहीं चाहिए तो इस पर राइट बटन क्लिक करके डिलीट कर दीजिएगा तो ये वाला पॉइंट हट जाएगा। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से आप एक डिजाइन बना सकते हैं। फिर यहाँ क्लिक करके यहाँ से भी आप एक डिजाइन सेट कर सकते हैं, या बाहर की तरफ चाहिए तो बाहर की तरफ भी कर सकते हैं इसको। फिर यहाँ क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से भी इफेक्ट, जैसा शेप देना हो वैसा शेप दे सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना दिमाग लगा रहे हैं। शेप में कोई डाउट है? अब आता आइकन, तो आपको जैसा आइकन चाहिए वैसा आइकन यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से भी ये ऑनलाइन ही काम करेगा, ऑफलाइन काम नहीं करेगा। अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो फिर वो काम नहीं करेगा। यहाँ पे कैटेगरी दिया हुआ, जैसा भी आपको चाहिए पिक्चर आप बस उस पर क्लिक कर दीजिए। ग्राफ चाहिए तो ग्राफ पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ सिर्फ ग्राफ से रिलेटेड आएगा। तो जैसा भी आपको पिक्चर चाहिए वैसा पिक्चर यहाँ से सर्च कर सकते हैं, या कैटेगरी दिया हुआ यहाँ से भी आप स्टिकर चाहिए तो स्टिकर ले सकते हैं, इलुस्ट्रेशन जो भी चाहिए यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इमेज चाहिए तो इमेज भी यहाँ पे
सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, टाइप करके सर्च करना होगा तब जाके आएगा। तब यहाँ बाय डिफॉल्ट देखिए इमेज था तो थोड़ा समय लेके लिया था और इमेज आ गया। और वैसे ये आइकन है तो आइकन तो पहले से रहता है बाय डिफॉल्ट, इसलिए आइकन तुरंत आ जाएगा, लेकिन इमेज में थोड़ा समय लगेगा। फिर यहाँ कटआउट पर जाते हैं तो यहाँ पर भी थोड़ा सा समय लेगा क्योंकि ये ऑनलाइन सर्च करेगा। देखिए आ गया, स्टिकर पर जाइएगा तो यहाँ आपको स्टिकर भी मिल जाएगा, दिख रहा है। इलस्ट्रेशन पे जाइएगा तो यहाँ पे वो भी मिल जाएगा। बस थोड़ा सा क्या होगा, समय लेगा। कार्टून पीपल चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो फिर उससे रिलेटेड बहुत सारा पिक्चर यहाँ पे आ जाएगा। बस आपको करना क्या है, क्लिक कीजिए और इंसर्ट कर दीजिए, पेज पर वो आ जाएगा। आ गया। अगर कलर चेंज करना हो तो देखिए ऑटोमेटिक एक ग्राफिक्स फॉर्मेट ओपन हो गया। अब यहाँ आपको करना क्या है, यहाँ से कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर दीजिए, आउटलाइन चेंज करना है तो आउटलाइन चेंज कर दीजिए, और भी फॉर्मेटिंग करना है तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है फॉर्मेटिंग करने के लिए। आइकन समझ में आया, आइकन में कोई डाउट है? अब आता है 3D। यहाँ से आप 3D पिक्चर ले सकते हैं। दो ऑप्शन दिया होता है, एक तो दिस डिवाइस, अगर आप इस कंप्यूटर या लैपटॉप में रखे हैं पहले से तो उसको इंसर्ट कर सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ जो भी पिक्चर दिख रहा है वो सब 3D पिक्चर है। अब यहाँ जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से अब जो भी पिक्चर आप लीजिएगा सिलेक्ट कीजिए और ये क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगा आपके एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में। अब यहाँ देखिएगा थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये ऑनलाइन डाउनलोड हो रहा है, ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन है तो थोड़ा सा समय लेगा ये डाउनलोड होने में। जब डाउनलोड होके आ जाएगा तो आप इसका यूज कर सकते हैं। आ गया, दिख रहा है एकदम 3D रियल का। अब देखिए ये वाला जो दिख रहा है ना पॉइंट, यहाँ से आप नचा सकते हैं जिस साइड घुमा कर, जैसे ग्लोब को घुमाते हैं ना चारों साइड से, वैसे भी आप इसका यूज कर सकते हैं। जिधर से घुमा के देखना हो उधर से घुमा के आप देख सकते हैं। समझ में आया? तो इस तरह से आप 3D पिक्चर का यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारा 3D पिक्चर इसमें मिल जाएगा, जैसा भी आपको 3D पिक्चर चाहिए वैसा कैटेगरी वाइज मिल जाएगा। जिस भी टाइप का आपको पिक्चर चाहिए आप सर्च कर सकते हैं यहाँ से। समझ में आया? अब जैसे मान लीजिए एक टॉय है, देखना हो इसको घुमा के चारों तरफ से, जैसे इसी को ले लीजिए, ये एक साइड से दिख रहा है ना, ये अभी ये डाउनलोड होगा, इसको आप देखिएगा जैसे ये इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसके पीछे क्या है, चाहे इसके अंदर क्या, वो सब चीज़ हम लोग देख सकते हैं इसको इसके द्वारा। देखिए दिख रहा है अंदर, तो जैसा आप चाहे वैसा यहाँ से घुमा के चारों तरफ से रोटेट, इसको उल्टा भी कर सकते हैं, यही 3D है। समझ में आ गया? 3D में कोई डाउट है? अब यहाँ आ जाइए स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट में आइएगा तो यहाँ पे बना बनाया हुआ शेप आपको मिल जाएगा, यहाँ कैटेगरी मिल जाएगा किस टाइप का आपको शेप चाहिए, लिस्ट से रिलेटेड चाहिए, प्रोसेस से रिलेटेड चाहिए, या साइकिल कैसा चाहिए आपको, तो जैसा चाहिए आप वैसा यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आ जाएगा, फिर मैट्रिक्स से रिलेटेड चाहिए तो यहाँ पे शेप मिल जाएगा, लिस्ट से रिलेटेड चाहिए, प्रोसेस से रिलेटेड चाहिए, तो जैसा भी आपको शेप का ज़रूरत पड़े आप बस उस पर क्लिक कर दीजिए, वो शेप क्या होगा आ जाएगा इस पेज पर, देखिएगा यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अब आपको करना क्या, सिर्फ टाइप कर देना, टेक्स्ट पे लिखिए और आप टाइप कर दीजिए, फिर यहाँ क्लिक कीजिए और यहाँ से टाइप कर दीजिए, यानी कि जहाँ जहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ वहाँ वहाँ आप अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। कलर अगर इसका चेंज करना हो, आप चाहते हैं कि इसका कलर चेंज हो जाए, तो आप यहाँ शेप का कलर चेंज कर सकते हैं। लो ये बैकग्राउंड हो गया, और सिर्फ ये जो पिक्चर बना हुआ है शेप उसका चेंज करना हो तो उसको आप सेलेक्ट कीजिए और सिर्फ उसी को चेंज कर दीजिए। फिर इसका चेंज करना हो सेलेक्ट कीजिए, शेप कलर में जाइए और यहाँ से चेंज कर दीजिए। तो इस तरह से अलग अलग चेंज कर सकते हैं। समझ में आया? शेप आउटलाइन भी चेंज कर सकते हैं, इफेक्ट देना हो तो इफेक्ट भी दे सकते हैं।
स्मार्ट आर्ट समझ में आ गया, ये स्मार्ट आर्ट समझ में आया। उसके बाद ये चार्ट, यानी कि अगर आपको चार्ट बनाना हो इस पेज पर, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा चार्ट मिल जाएगा। लाइन में चाहिए या पाई में चाहिए या बार या एरिया, जैसा भी आपको चार्ट चाहिए। तो सबसे ज़्यादा कॉलम चार्ट यूज होता है, तो कॉलम का आप यूज कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका कॉलम चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा समय लेगा क्योंकि ये एक्सेल के साथ ओपन होता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है ना मैट्रिक में, सब कोई एग्जाम दिए होंगे टेंथ का, तो उसमें ग्राफ वाला क्वेश्चन मिला ही होगा। तो देखिए यहाँ पे सीरीज 1, 2, 3 दिया हुआ, ये तीनों का क्या करना था, ग्राफ दिखाना था। तो ये एक्सेल में ये डेटा बना हुआ है और इसी का ग्राफ कहाँ आ गया, यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ग्राफ था वो दिख रहा है, तो ऐसा ग्राफ का ज़रूरत पड़े तो आप उसका यूज कर सकते हैं। उसके बारे में एक्सेल में आप लोगों को बताएंगे पूरा डीपली, क्योंकि वो एक्सेल का काम है। चार्ट समझ में आ गया। अब दिया स्क्रीनशॉट, तो आप इसके द्वारा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे इस होम पेज का डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट लेना हो तो उतना एरिया इसे सेलेक्ट करेंगे और छोड़ देंगे, ऑटोमेटिक वो इस पेज में आ जाएगा। आया। अगर इसी पेज का अगर लेना हो तो फिर आपको क्या करना होगा, कंट्रोल एन कीजिए, यानी कि एक और न्यू डॉक्यूमेंट आ जाएगा। उसके बाद आपको इंसर्ट में जाना है और स्क्रीनशॉट पे जाके स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करना है। तो देखिए ये वाला पेज दिखने लगा। अब यहाँ से आपको जितना लेना उतना ले लीजिए। इलुस्ट्रेशन ग्रुप कंप्लीट। इसमें कोई डाउट है? नहीं है तो यहाँ तक समझ लीजिए, मीडिया तक बता देते हैं। मीडिया तक आप लोग प्रैक्टिस पहले अच्छा से कर लीजिएगा, डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में लिंक से पढ़ाएंगे। मीडिया में क्या होता है, देखिए यहाँ ऑनलाइन वीडियो अगर आपको चलाना हो, सर्च करना हो, तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन वीडियो। अभी यहाँ देखिए कहाँ कहाँ से सर्च करके ला के देगा। अगर यहाँ देखिए एक ये कैसे ओपन होगा, इसको अभी ऐसे ही रखेंगे। यहाँ आपको ओपन करना होगा, यहाँ एक वीडियो का लिंक देना होगा, जो वीडियो आप इसमें प्ले करना चाहते हैं वो लिंक देना होगा। और इतना सारा ऑप्शन दिया हुआ इसमें से कोई किसी का भी, तो हम क्या करते हैं एक यूट्यूब का लिंक ले लेते हैं। यूट्यूब में कोई भी एक वीडियो का लिंक लाएंगे और वहाँ पे पेस्ट करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ से हम इस वीडियो का क्या करते हैं, लिंक ले लेते हैं, कॉपी लिंक करते हैं और इसको बंद करते हैं और फिर यहाँ पे वो लिंक को लाके पेस्ट कर देते हैं। जैसे पेस्ट किए अब ये इंसर्ट क्या हुआ, हाईलाइट हो गया, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये लिंक इंसर्ट हो जाएगा इस एमएस वर्ड में। देखिए यहाँ पे आ जाएगा इस पेज पर, उसके बाद आप उसको प्ले कर सकते हैं। आ गया एमएस वर्ड में, छोटा कर देते ताकि देखिए, देखिए ये वीडियो इसमें लिंक हो गया। अब आप यहाँ क्लिक करके प्ले कर सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये एमएस वर्ड में ही प्ले होगा, यूट्यूब पर लेके नहीं जाएगा, यहीं से वो प्ले हो जाएगा। समझ में आया? यानी कि इसके द्वारा आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी कोई भी वीडियो को प्ले कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई वीडियो का लिंक है तो वो लिंक डाल के यहाँ से आप प्ले कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट्स बना रहा है तो उसमें आप वीडियो का लिंक देना चाहते हैं, तो वैसे ही आप वीडियो का लिंक दे के इस फाइल को शेयर कर दीजिएगा, तो जो भी जिसके पास जाएगा फाइल वो ओपन करेगा ना, तो ये वीडियो मिलेगा और यहाँ से वो प्ले करके देख सकता है। मीडिया तक कोई डाउट है? तो यहाँ तक आप लोग क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। हो सकता है लैब में ये वाला ऑप्शन आप लोग को नहीं मिले,
और ऑनलाइन वाला जो भी था वो कहीं नहीं मिले आपको। तो इतना सिर्फ याद रखना है कि अगर आप चाहे तो ऑनलाइन पिक्चर ले सकते हैं, स्टॉक के द्वारा भी आप ले सकते हैं। समझ में आया? इतना आप लोग कंप्लीट करेंगे फिर आगे जो है पढ़ाएंगे। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए लोग, नहीं है तो कल आप लोग इतना कंप्लीट कर लेंगे। कल तो बंद है, संडे है ना, कल मंडे को आप लोग क्या करेंगे, मीडिया तक कंप्लीट कर लेंगे। ट्यूजडे को हम क्या करेंगे, ये इंसर्ट मेनू कंप्लीट करा देंगे और प्रोजेक्ट देंगे दो दिन के लिए। दो दिन में आपको क्या करना है, वो प्रोजेक्ट बनाना है, बना लीजिएगा तो फिर आगे पढ़ाएंगे। आगे आपको लेआउट तक पढ़ाएंगे, तीन मेनू, फिर प्रोजेक्ट देंगे बनाने के लिए। जब वो बना लीजिएगा तो फिर आगे पढ़ाएंगे।